की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर में अलर्ट जारी है। यूपी एटीएस ने सोमवार को 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को खुद से जोड़ने के साथ उन्हें जिहाद के लिए प्रेरित कर रहे थे। इन सभी की गिरफ्तारी अभियान चलाकर पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली और उत्तराखंड से की गई है। सहारनपुर के जिन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें आतंकी संगठन के आकाओं ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी थी। 4 आतंकियों को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकी मॉड्यूल तैयार करने का टारगेट मिला था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता विकास कपिल। सहारनपुर और उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सहारनपुर के लुकमान, जो कि गागरडीह क्षेत्र का एक मदरसा संचालक था, साथ ही हरिद्वार का मोहम्मद कामिल, जो कि देवबंद का रहने वाला था और हरिद्वार में रहकर वो वहां पर एक दुकान चलाया करता, इन दोनों को बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आतंक का एक बड़ा मॉड्यूल तैयार किया जाए। गजवाए हिंद का एक नेटवर्क इन्होंने तैयार करना था और एटीएस ने जब इनसे पूछताछ की तो कई खौफनाक राज जो हैं वो इन्होंने उगल दिए हैं। एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की फिराक में थे, लेकिन उससे ठीक पहले ही यूपी एटीएस ने इनके मंसूबों को कामयाब होने से रोक दिया है और 4 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा हरिद्वार से भी एक व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। देखा जाए तो दीपावली से ठीक पहले आतंक पर एक बड़ा प्रहार जो है वो यूपी एटीएस ने किया है। अब यूपी एटीएस उन लोगों की तलाश में जुट गई है जो कहीं ना कहीं इन लोगों के संपर्क में थे और कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल भी रहे हैं। सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो आतंकी मॉड्यूल तैयार करने का इन संदिग्ध आतंकियों को टारगेट दिया गया था। आतंकियों से एटीएस को बड़ा इनपुट भी मिला है और 8 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। मुदस्सिर पुत्र अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई थी, वहीं कामिल पुत्र यासीन भी सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। नवाजिश अंसारी भी गिरफ्तार किया गया था। इन आतंकियों से लगातार पूछताछ हो रही है और इन पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं, चौंकाने वाले भी खुलासे हुए हैं। इन आतंकियों को टारगेट भी दिया गया था। इनपुट पर एटीएस कई और जगहों पर छापेमारी कर सकती है। देहरादून, सहारनपुर में एटीएस छापेमारी कर सकती है। गिरफ्तार आतंकियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है और पूछताछ में कई सारे अहम खुलासे भी हुए हैं। आतंकी लुकमान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आतंकी मॉड्यूल तैयार करने का इन लोगों को टारगेट दिया गया था। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, राशन और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का भावुक ट्वीट आज पहली बार लगा कि बिन सूरज के उगा सवेरा कल ही हुआ है नेताजी का अंतिम संस्कार। तो कल नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद आज अखिलेश यादव की तरफ से एक भावुक ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि आज पहली बार लगा है कि बिन सूरज के सवेरा उगाया है और कल ही हुआ है नेताजी का अंतिम संस्कार, जिसके बाद आज अखिलेश यादव की तरफ से ये भावुक ट्वीट किया गया। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सैफई में हर ओर शोक की लहर है। कल उनका दोपहर अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें देखा गया कि लाखों की संख्या में उनके जो समर्थक थे, जिनके चाहने वाले थे, वो पहुंचे हुए थे। पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद आज अखिलेश यादव शुद्धिकरण के लिए पहुंचे हुए थे और उसके बाद उनकी तरफ से यह भावुक ट्वीट किया गया। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सैफई में हर ओर शोक की लहर है। सैफई में महिलाएं रोती हुए अपने नेताजी को याद कर दुखी हो रही हैं। महिलाओं से बातचीत की है न्यूज स्ट्रीट संवाददाता मोहित राजदुबे ने। किसानों के नेता और समाजवाद के स्तंभ मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं इस वक्त उनके
आवास पे मौजूद हूं और यहां पर देखिए लोगों का तांता लगा हुआ है। और इस बार आपको बता दें कि सफाई की दिवाली सुनी हो गई, इस बार सफाई दिवाली नहीं मनाएगा। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, इन महिलाओं से हम बात करेंगे और समझेंगे कि नेताजी का जो व्यक्तित्व था, जो योगदान था, वो कितना था। अरे हम लोगों को बहुत नेताजी प्रिय थे, उनका बहुत, हम लोगों गरीब चाहे अमीर हो किसी को भेदभाव नहीं समझते थे। पूरा हो गया माना जाए, अधूरो एगो सबसे अधूरो एगो सेफाई हो गई, टाब हो गई, सब अधूरे ही हो गए। हमारे नेताजी हमारे मालिक मुखिया थे, आज हमारा मालिक मुखिया ही चला गया। हर इंसान गमजदा है, दुखी है। हम लोग नेताजी को बहुत याद कर रहे हैं क्योंकि उनके बिना तो सब सुना ही हो गया है। मैं उन्हें इस तरह से देखती हूँ कि ऐसा दुनिया में, पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा नेता नहीं मिलेगा, ना कभी था, ना होगा, ना आगे कभी आएगा। महिलाओं के मन में भी उतनी ही पीड़ा है जितनी सबके मन में पीड़ा है। बिलखती हुई, रोती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि हमारा सहारा चला गया और इस बार हम सफाई में दिवाली नहीं मनाएंगे। तो इस बार सैफई में दिवाली नहीं मनाएंगे, लोगों का कहना है। लोग दुखी हैं, भावुक हैं। अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट आज किया गया सुबह सुबह, और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल जिस तरह से अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार में लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे, और उसके बाद आज जब सुबह हुई सैफई में तो सभी के चेहरे मायूस थे, दुखी थे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग। एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, मुलायम का नाम है जो भारत रत्न की शोभा बढ़ाएगा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, मुलायम वो नाम है जो भारत रत्न की शोभा बढ़ाएगा। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह ने इसको लेकर राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। और उतने यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।